चावल अपने आप में है तो बहुत गुणकारी, पचने में हल्का, ठंडा, लेकिन रात को ज्यादा खाने से कई बार पेशाब ज्यादा आते हैं। तो ऐसे में इसकी जगह पे कभी कभी कंगनी का सेवन करें। कंगनी को फोक्सटेल मिलेट भी कहते हैं, और ये मिलेट होने की वजह से एक तरह का एक बाजरा ही है, तो उसकी वजह से ये मिनरल्स से भरपूर है। यानी जिनकी हड्डियाँ कमजोर हो गई, हड्डियाँ टूट रही हैं, ज़्यादा चटक रही हैं, हड्डियों से आवाज़ें आ रही हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है, कमजोर लोगों के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा भारी है पचने में और खुश्क है, इसलिए कफ को ठीक करेगा। जिनको कफ है, चावल कफ लगाता है या कफकारी होता है, ठंडा होता है, वो तो गर्मी के रोगों में दिया जाता है। ये जो जिनका शरीर ठंडा पड़ गया है या जिनका कफ बलगम ज़्यादा है, सांस के रोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। बस इसका ध्यान रखें, ज़्यादा मात्रा में एक साथ ना खिलाएं तो ये बारी कर जाएगा, बाकी वायु कर जाएगा, अदरवाइज ये बड़ा ही अच्छा सेफ है।